हेलो दोस्तों, मैं नीतीश, आप सभी लोगों का आवे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी को पांच अति महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप सभी ने बनाया ही होगा और आपने अलग अलग तरीका से बनाया होगा, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को थोड़ा सा यूनिक तरीका बताता हूं और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 by 5 है, फिर आपका 5 by 6 है, फिर आपका 11 by 12 है, फिर आपका 7 by 8 है, ठीक है। और इन सभी में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि चारों संख्या को डिवाइड करके देखेंगे, जो जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भी कुछ लोग यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आज यूनिक तरीका बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे तो नीचे वाला जो हर आपका है सबको आपको सेम कर देना है, ठीक है। यानी कि संख्या पूरा सेम रहेगा नीचे वाला। तो कैसे हम सेम कर सकते हैं, तो ये चारों का आपको एलसीएम सबसे पहले लेना है। तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो इसका एलसीएम आपका 120 आएगा, ठीक है। तो 120 नीचे हम बना देते हैं, सभी को 120 बना देते हैं। तो अगर इसे अगर 120 बनाना हो तो किससे हम गुना करेंगे, 24 से गुना करेंगे। जब 24 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 24 से गुना करना होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 48 by 120, ठीक है। अब देखिए, इसे जब 120 बनाना होगा तो 60 को किससे गुना करना होगा, 20 से। तो ऊपर में भी हम 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 100 और नीचे में आपका हो जाएगा 120, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 12 है, तो इसे अगर 120 बनाना होगा तो इसमें हम 10 से गुना करेंगे। जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 10 से गुना करना होगा। सो यहाँ हो जाएगा आपका 110 by 120, ठीक है। आप देखिए ये लास्ट वाला, तो इसमें हम कितना से गुना करें, तो यहाँ पे हम अगर 15 से गुना करते हैं तो नीचे 120 हो जाएगा, तो ऊपर भी तो हमें 15 से गुना करना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 15 × 7 = 105 और नीचे हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब नीचे वाला जो आप देख सकते हैं हर सभी का सेम है, ठीक है, सेम है, बस आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पर देखना है कि ऊपर वाला जो संख्या है किसका संख्या सबसे ज़्यादा है वही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है सबसे ज़्यादा है, सो आपका आंसर यही होगा। सो किस में दिया हुआ है 11 by 12, तो आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। सो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 3। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। बस आपको एलसीएम लेना है इन चारों का, चार संख्या या पांच संख्या रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो बस इनका एलसीएम लेना है और नीचे का जो हर है सबको सेम कर देना है और जो आपका बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखिए, जब भी मैं आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताता हूँ सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और अकेले ए इसी कार्य को करता है 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा टोटल वर्क, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। अब हम निकालेंगे ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है और ए अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये जाएगा आपका 5 बार में, ये जाएगा आपका 3 बार में। तो हमें ये पता चला कि ए और बी मिल के एक दिन में 5 काम कर सकता है और ए अकेले एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसे माइनस करके, तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है एक दिन में। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, तो अब देखिए बी एक दिन में 2 काम करेगा तो आधा दिन में कितना काम करेगा, तो आधा दिन में 1 काम करेगा। अब देखिए बी जो है 1 काम कर रहा है आधे दिन में और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो दोनों को हम प्लस करते हैं तो एक दिन का काम हमारा कितना हो गया, 4 काम। यानी कि एक दिन में दोनों मिलके 4 काम कर रहा है, तो टोटल काम हमारे पास है कितना, 60 काम है। तो 60 से हम सिर्फ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 15 दिन में ये टोटल काम कंप्लीट कर लेगा ए और बी।
ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब इस वीडियो को लाइक एंड अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, कहता है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 2:3 का अनुपात बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 35 लीटर यहाँ पर मिश्रण है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी और दूध यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। आखिर ये 4:1 के अनुपात में यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूध और पानी होगा कितना। तो सबसे पहले हम दूध और पानी निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 और 1 5, तो 1 यूनिट का यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं 7। 1 यूनिट का मान हमें यहाँ पे पता चल गया, तो 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 7। हमें ये पता चल गया कि दूध हमारा 28 लीटर है और पानी हमारा कितना लीटर है, 7 लीटर है। अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो है 4:1 के जो रेशियो में है, इसे आपको बनाना है 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 4:1 और 2:3, एक बात यहाँ पे गौर करना कि हम यहाँ पे पानी मिला रहे हैं ना कि हम दूध मिला रहे हैं, तो दूध वाला जो हमारा रेशियो है वो तो हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 4 और यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो या तो आप 2 से इधर डिवाइड कर दें या तो 2 से आप इधर गुना कर दें, इसे आप 4 बना दें। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो दोनों में हमें 2-2 से गुना करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 6। तो 4:1 और 4:6, अब देखिए ये जो दूध वाला वैल्यू है ये आपका आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आपका कितना नज़र आया, 5, और ये जो पानी वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 लीटर, ये सिर्फ आपको इसमें गुना कर देना है। तो 7×5=35, अगर 35 लीटर पानी अगर इसमें मिला देते हैं तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 के रेशियो में हो जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू, ये आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में दिख रहा होगा, और इस फ्रैक्शन को देखते के साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसे स्किप कर देते हैं, बट आप अब स्किप नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये 12 से 1/2% का वैल्यू होगा आखिर कितना, तो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1/8 आपका होगा, ठीक है। और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि सामान हमारा है 8 रुपये का और हम छूट कितना दे रहे हैं, छूट हम दे रहे हैं 1 रुपये का, तो हम सामान बेच रहे हैं कितने में, तो 8 रुपये का सामान है और हम बेच रहे हैं कितने में, 7 रुपये में। फिर देखिए यहाँ पर नीचे 5 रुपये का सामान है और 1 रुपये का हम छूट दे रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं कितने में, तो 5 रुपये का हमारा सामान है और हम बेच रहे हैं कितने में, हम बेच रहे हैं 4 रुपये में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को आपको गुना करना है, इन दोनों को जैसे ही आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि इधर हो जाएगा आपका 40 और इधर आपका हो जाएगा कितना, 28। सो आप देखेंगे कि हमारा सामान था 40 रुपये का और हमने बेचा कितने में, हमने बेचा यहाँ पर 28 रुपये में, तो हमने छूट कितना दिया, तो हमने छूट दिया यहाँ पे 12 रुपये का, 12 रुपये का छूट दिया, तो किस पे हम देंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 40 है, इनटू हम क्या करेंगे 100, तो ये 4 से जाएगा ये 3 बार में और ये 0 से जाएगा 1 0, तो हो जाएगा कितना परसेंट, 30%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 30%, यानी कि 30% का हम यहाँ पे एकल छूट दे रहे हैं। दो धावक क्रमशः 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समान दूरी तय करता है, यदि एक धावक दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दूरी है सेम है, दोनों का दूरी यहाँ पे सेम है, ए और बी का जो चाल है अलग अलग दिया हुआ है, और इसी चाल को अलग होने के कारण यहाँ पर जो समय है एक धावक 32 मिनट ज़्यादा लेता है। अब इसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर बराबर यहाँ पर चाल है किसका, ए और बी हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा समय हो जाएगा, यानी कि 16:15 हो जाएगा, कम चाल ज़्यादा समय, ज़्यादा चाल कम समय, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कहता है कि यदि एक धावक दूसरे धावक से 32 मिनट अधिक समय लेता है, तो समय यहाँ पर हमने निकाल लिया है 16:15, तो इसे हम मानते हैं 16x और इसे हम मानते हैं 15x, क्योंकि रेशियो मेथड है यहाँ पे। तो हम जब दोनों को माइनस करेंगे, 16x - 15x करेंगे, तो बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 32 मिनट दिया हुआ है। अब ये जो 32 मिनट दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो एक्स का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 32/60, ठीक है। अब आपको
दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने में आपका समय होगा, ठीक है। तो चाल आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो हम किसी एक को मान लेते हैं, तो ए के ए और बी दोनों तो सेमी दूरी तय करेगा, तो हम ए को मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यहाँ पर दूरी तय कर रहा है कौन, ए। और समय कितना लग रहा है, तो समय देखिए यहाँ पर लग रहा है 32, और ये यहाँ पर 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो x का वैल्यू है और यहाँ पर 16x है, तो 16 हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5 से जाएगा ये 4 बार में, और 4 से जाएगा ये 4 बार में, और 32 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी 128। आप अगर चाहें तो बी से भी निकाल सकते हैं, तो बी से भी आपका यही आएगा, तो आप हम निकालते हैं बी से। तो बी का यहाँ पर चाल कितना है, 16 किलोमीटर बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16 किलोमीटर बराबर। यहाँ पर समय कितना लग रहा है, तो समय देखिए 16 और x, तो 16 तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बी है, तो बी तो यहाँ पे 15 है, 15 और x का यहाँ पे वैल्यू हमने 32/60 हमने निकाल रखा है, तो 32/60 यहाँ पर हम रख देंगे, तो 15 से जाएगा ये कितने बार में, ये जाएगा 4 बार में, और 4 से जाएगा ये 8 बार में, तो 16 ठीक कितना होता है, 128। तो दोनों में से किसी को भी लेकर के आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते थे। सो यही इसका राइट सल्यूशन है। आशा करता हूँ आप सभी ने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।